हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? और आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो अभी देखिए, सुबह के बज रहे हैं 8 और दिन है सोमवार। और अभी हम लोग 4 बजे उठ के और दातुन वगैरह करके नदी में आज नहाए हैं। और नदी का पानी इतना ठंडा था कि मैं क्या बताऊँ। पानी से नहा के निकलने के बाद ना मुझे इतना ज़्यादा सर्दी हो गया कि मेरी छींकते छींकते हालत बिल्कुल ख़राब हो गई, आप मेरे फेस से देख सकते हो। फिर नहाने के बाद हम आ गए यहाँ पे, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए ये पूजा करनी होती है। शीतला जी को हलवा पूड़ी चढ़ाना होता है, तो वही सारी लेडीज़ लोग हम लोग मिलके पूड़ी हलवे का तैयारी कर रहे हैं। और ये देसी घी में पूड़ी जो है वो बन रहा है, हलवा और पूड़ी दोनों जो है वो देसी घी में ही बनेगा। और बच्चे सब अभी गए हैं नहाने के लिए। जैसा कि लेडीज़ नहा के जब आती हैं और पूड़ी हलवे की तैयारी करती हैं, तब तक जेंट्स चले जाते हैं नहाने के लिए। तो अभी बच्चे जो हैं वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। रुपेश छवि को कपड़े मैंने दे दिए हैं कि रुपेश छवि वैसे नहाएंगे नहीं, छवि को तो मैं कपड़े चेंज कर दूंगी, ये छवि यहीं रहेगी। और रुपेश जो है वो जेंट्स के साथ जाएगा, बस वही हाथ पैर धुल लेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ ठंड पड़ रही थी। मैं बता नहीं सकती आप लोग से कितनी मतलब ठंड यहाँ पड़ रही थी। और अभी जो है सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं ये पूड़ी तल रही हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आग के सामने बैठी हूँ तो गरम गरम बहुत अच्छा लग रहा था। पर अभी प्रियंका की सासू माँ आ जाएंगी पूड़ी निकालने के लिए ना, तो फिर मुझे उठना पड़ता है। और मेरा मन बिल्कुल नहीं करता है कि आग के पास से मैं उठूँ, क्योंकि सर्दी मुझे बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसकी वजह से मैं सोच रही थी कि जहाँ जहाँ भी आग मुझे मिले बस मैं वहीं पर रहूँ। तो अभी देखिए पूड़ी हलवा जो है वो बन गया है और अभी हम पूजा कर लेते हैं शीतला माँ का। तो ये देखिए, ये सारा जो है रिकॉर्डिंग छवि कर रही है और अच्छा की है, अब वो भी अच्छा करने लगी है। तो फूल माला कपूर जला दिया मैंने 7 जगह, फूल माला पूड़ी और बतासा और हलवा उनको चढ़ा दिया। और बाकी क्या कहते हैं, धूप अगरबत्ती जो होता है वो सब, जो पूजा की जितने भी सामग्री होती है, रोड़ी वगैरह, दिया जला दिया देसी घी का। तो ये देखिए कुछ इस तरह से पूजा हुई है। ये मैंने और क्षमा ने किया है, प्रियंका, प्रियंका की सासू माँ और चाची सास और देवरानी वो लोग उस साइड में कर रही हैं, देखिए आपको देख सकते हो। और ये जो बकरी है ना, मतलब बकरा है, सॉरी खसी है, तो ये खसी, यही खसी का जो है वो चढ़ेगी आज, यही खसी, तो इसका भी पूजा हम कर लेते हैं। पहले इसका सब लेडीज़ लोग शीतला माँ का पूजा करेंगी, उसके बाद बारी बारी आके इस खसी का पूजा करेंगी। और जो लाइची दाना होता है मीठा वो इनको खिलाएंगी। तो माला जो है मेरा छोटा है, तो मैं अपना और क्षमा का माला एक साथ जोड़ के और इसे पहना दूंगी। पहले पूजा होता है देखिए, और मुझे बहुत मतलब अजीब लग रहा था देख के कि पहले पूजा होगा फिर बाद में। पर शीतला माता मुझे माफ़ करें, मैं उनका कोई वो नहीं कर रही हूँ। तो अभी देखिए मैंने पूजा कर लिया है, इनका माला भी मैंने पहना दिया है, हाथ पैर हम लोग जोड़ लेंगे, फिर जाएंगे बच्चों को तैयार करने कि बच्चे भी अच्छे से तैयार हो जाएँ। तो मैं कुछ ये दिखा रही थी आपको, क्लिप ली थी यहाँ का, जहाँ से मैंने फूल माला सब कुछ लिया था। सही लगा देखिए, छवि इधर आओ, छवि इधर आओ, छवि चलिए भाभी, टाटा 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 लाडू, टाटा 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 कर ली। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा पूजा जो है वो हो गया है और अब हम जा रहे हैं हनुमान जी का दर्शन करने और माँ शीतला का दर्शन करने। जब वहाँ से हम आएंगे तो ये जो जेंट्स लोग हैं वो आ चुके थे, तो वो अभी जो है खसी को मतलब खसी का बलि चढ़ाएंगे। और तब तक हम दर्शन करके हनुमान जी का और शीतला माँ का वापस आ जाएंगे। एक जगह रहो सही। फ्रेंड्स, अभी मैंने जो आपको डलिया दिखाया ना, वो मुझे लेना था। हमारे यहाँ ये डलिया बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, 250 मतलब 250 से 300 तक, और यहाँ पे 90 रुपये का ये डलिया था। तो मैंने सोचा कि मैं भी एक डलिया ले लूँगी प्रसाद के तौर पे, पर मुझे मिल गया वहाँ पे, अच्छे रेट में मिल गया।
और ये अभी हम हनुमान जी के मंदिर आ गए हैं और शीतला माँ का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि इतना भीड़ था कि मैं क्या बताऊँ, इसलिए मैं फ़ोन उठा के रख दी। और छवि साथ में गई थी तो मैं उसको मतलब तेज़ी से पकड़ी थी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गुम हो गए थे, जो बुज़ुर्ग थे वो भी गुम हो गए थे, तो इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं छवि को मतलब कसके में पकड़ी थी छवि को कि छवि इधर उधर ना हो, और इस वजह से मैं शीतला माँ के मंदिर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, आप लोग के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। वहाँ पे अलाउ भी नहीं था, बट मतलब गेट तक तो अलाउ था लेकिन भीड़ की वजह से मैं कैमरा एक बार भी नहीं उठाई। तो अभी हम आ गए हैं जहाँ पे हम मतलब जहाँ पे हमने जो झोपड़ी ली थी वहाँ पे, और हम सब लोग वही तैयारी कर रहे हैं मटन बनने का। तो कुछ लेडीज़ लोग लहसुन छिल रही थी, कुछ लोग प्याज कट कर रहे थे, जेंट्स लोग जो हैं मतलब बना रहे थे, आप देख सकते हो जेंट्स लोग जो है वो बना रहे हैं। है ना मेरा ग्लास है ना, दे दो। सब्सक्राइब की है चैनल, आप सब्सक्राइब की है? वीडियो बना के दिखाना यूट्यूब पे। बता दो क्या खाना बनाने के लिए दिखेगा। और अभी देखिए जोरों शोरों से तैयारी हो रही है लंच के लिए। तो अभी देखिए प्रियंका की सासू माँ कलेजी था और उसमें भी और भी कुछ आइटम थे वो बना रही हैं चूल खरीद के, और इधर जेंट्स लोग जो हैं वो पूरा मटन पका रहे थे। जेंट्स लोग का काम ये था, लेडीज़ लोग का काम था कि वो रोटी बना दें। चावल बन चुका था, रोटी जो है वो प्रियंका की चाची सास और उनकी सास ने मिल के बनाया था क्योंकि मोटी रोटी बन रही थी तो वो रोटी हम लोग नहीं बना पाते हैं, अच्छे से हमसे नहीं सीखती है। तो पतली रोटी होती तो हम लोग बना भी देते। मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी, मेरा जो है वो मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, ठंड की वजह से काफ़ी सिर में दर्द था, तो मैं मेडिसिन लेके सो गई। फिर मेरा आम मैं जब उठी तो शाम हो चुका था और सबने खाना खाया, फिर उसके बाद से फिर हम दर्शन करने गए। तो फ्रेंड्स मेरा ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा, जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करके जाना, आप लाइक बिल्कुल नहीं करते हो, व्यूज़ थोड़े से आते हैं, व्यूज़ आते नहीं हैं वैसे, पर उतने लाइक बिल्कुल नहीं रहते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो प्लीज़ फ्रेंड मुझे सपोर्ट करिए। और अभी देखिए हम सब लोग जो है वो डिनर क्या इवनिंग में हम लोग 4-5 बजे के लगभग जो है मतलब लंच किए थे, डिनर ही समझ जाइए उसको। तो उसके बाद घर पे आ गए थे, कुछ भी हमने नहीं खाया क्योंकि पेट हमारा फुल था और मैं तो मतलब मीट खा ही नहीं पाई थी क्योंकि मुझे वही अजीब लग रहा था, इसलिए प्रसाद के नाम पे बस थोड़ा सा हम सभी ने खाया, मैं प्रियंका और क्षमा तो बिल्कुल ही नहीं खाई वो। तो अभी हम आ गए हैं दिया जलाने, 108 दिया जो है वो शाम को जलता है, फिर हम अपने अपने घर चले जाएंगे सभी सिस्टर। और बहुत अच्छा लगा इस ट्रिप में, तो मुझे काफ़ी मतलब बहुत मज़ा आया, और माता रानी करे कि मुझे बार बार यहाँ पे बुलाएं, मैं बार बार यहाँ पे आऊँ। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सबके साथ इतना अच्छा लग रहा था, बच्चे भी बहुत खुश थे। फिर हम शायद 6-6:30 बजे तक मंदिर में दिया जला के फिर 7 बजे जो है हम घर के लिए रवाना हो गए, और 10:30 बजे तक मैं घर पर आ गई थी अपने। फिर यादें रह गई जो आप लोग देख रहे हो, और बस देखने के लिए। तो माता रानी करे सभी की मनोकामना पूरी हो, यहाँ पे सुनते हैं यहाँ पे जो कोई जो भी मन्नत मांगता है उसकी माता रानी पूरी करती है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी मान लीजिए माता रानी ज़रूर पूरी करेंगी, आप भी आइएगा दर्शन करने, और मैंने भी कुछ मन्नत मांगी है पूरी करेंगी तो मैं फिर आऊँगी। और मेरा ये माता रानी का ब्लॉग आप दोबारा देख पाओगे, माता रानी करे कि मेरी मन्नत पूरी हो। तो आज का ब्लॉग यहीं तक।